आज पंचम दिवस का यह सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। अभी तक आपने चार दिवस की कथा का श्रवण किया है। कल बहुत ही सुंदर हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है। आज महाराज नंदलाल के रूप में गोकुल में विराजमान है। बड़े धूमधाम से बड़े मनोरम स्वरूप में उनका जन्मोत्सव चल रहा है, नंदोत्सव चल रहा है। अष्टमी को जन्म हुआ है, नवमी को नंदोत्सव हुआ है। बड़ी धूमधाम से महाराज नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। पूरा ब्रज परिकर महाराज आनंद में सराबोर है। नंद बाबा के घर के बाहर ब्रजवासियों का तांता लगा हुआ है। महाराज लोग तरह तरह के उपहार लेकर उनके घर पे पधार रहे हैं। मैया को, नंद बाबा को, सभी को बधाइयां दी जा रही हैं, बधाई गान हो रहे हैं। नंद बाबा ने बहुत से ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया है, उनको भोजन कराया है, उनको दान दिया है। कई कई लक्ष गौएं दान दी हैं ऐसा वर्णन आता है, और हीरे जवाहर मणि माणिक्य सभी दान दिया है। बहुत आनंद में है महाराज। नंद बाबा की आयु अधिक है तो वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो आनंद दोगुना है। पूरा ब्रजमंडल आनंद में सराबोर है। और इसी प्रकार महाराज नंदोत्सव मनाते हुए नवमी के दिन पूरा समय व्यतीत हुआ है। इसके बाद एक और बड़ी सूक्ष्म चर्चा और तत्व चर्चा आती है, जिसका कि वर्णन सदैव नहीं कर सकते, सदैव नहीं किया जाता, क्योंकि इसका इतना समय नहीं होता। परंतु आज मन में ऐसा भाव हुआ है कि इस विषय की चर्चा करें। देखिए, हमारे ब्रज के रसिकों का मानना क्या है कि जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो नंद नंदन है, वो ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाते। इसीलिए आज भी हमारे जो ब्रज के संत हैं वो वृंदावन की सीमा के बाहर कहीं प्रवेश नहीं करते, वृंदावन की सीमा में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ठाकुर हैं, जो श्री कृष्ण हैं, जो ब्रजराज हैं, वो भी ब्रज में ही रहते हैं, ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाते। उसकी भी यदि सूक्ष्म चर्चा करें तो भागवत जी में भी दो श्लोक मौजूद हैं जिनकी यदि रसिकों के माध्यम से चर्चा करें तो ये सिद्ध होता है कि उस दिन दो कृष्ण जन्मे, एक मथुरा में और एक गोकुल में। भागवत जी में महाराज दशम स्कंद के तृतीय अध्याय में श्लोक आता है कि निशीथे तम उद्भूते जाए माने जनार्दने और देवक्याम देवरूपिण्यम विष्णु सर्वगुहाश्यम अविरासी यथा प्राच्यम ऋषि दूरे पुष्कल। यदि इस श्लोक को देखें तो इसमें दो क्रियाएं हैं और दो नाम हैं। निशीथे तम उद्भूते, अर्धरात्रि में निशीथ तम अंधकार में उद्भूत हुए कौन? जाय माने जनार्दने, जात हुए कौन? जनार्दन, जो कि गोकुल में जात हुए। और देवक्याम देवरूपिण्यम विष्णु सर्वगुहाश्य, और अविरासी अर्थात दूसरी क्रिया अविरासी अर्थात प्रादुरासी, प्रादुर्भाव हुआ किसका? विष्णु सर्वगुहाश्य। तो मथुरा में प्रादुर्भाव किसका हुआ? विष्णु का। और गोकुल में प्रादुर्भाव किसका हुआ? जनार्दन का। दो नाम, दो संबोधन है और दो क्रिया है, जायमाने और प्रादुरासी, वहां जात हुए या प्रादुर्भाव हुआ। अब कहेंगे कि देवक्याम देवरूपिण्यम, या तो देवकी का नाम है, यशोदा का तो है ही नहीं, तो देवकी सर्व देवता ये कहा गया है। वेदाख्यो वासुदेवोयम देवकी सर्व देवता, नंदो ध्यानंद रूपोयम यशोदा मुक्ति रूपिणी। तो यदि हम देवकी नाम की चर्चा करें
तो हरिवंश में भी आया है, हरिवंश पुराण में, कि नंद भार्या द्विनामी यशोदा देवकी इति च, कि नंद की भार्या अर्थात यशोदा जी के दो नाम हैं, एक नाम देवकी भी है। और यदि सिद्ध करना है तो श्रीमद् भागवत के अनुसार भी हम सिद्ध कर सकते हैं। वेणु गीत के दशम श्लोक को यदि हम देखें तो दशम श्लोक है, वृंदावनम सखी बहु वितनो की कीर्ति यद देवकी सुत पदाम्बु जलब्ध लक्ष्मी। यहाँ पे संबोधन है देवकी सुत, परंतु यदि अर्थ में देखेंगे तो यशोदा नंदन है। श्लोक में देवकी सुत है एक। दूसरा यदि रास पंचाध्याय की चर्चा करें तो उसमें भी आया है, तत्रा किशोभे ताबिर भगवान देवकी सुत मध्य मणिनाम हेमानाम महामरकतो यथा, दशम स्कंद 33वां अध्याय शायद 7वां श्लोक है। तो तत्रा किशोभे ताबिर भगवान देवकी सुत, यहाँ भी देवकी सुत है परंतु अर्थ में यशोदा नंदन है। तो ये प्रमाणित होता है कि दो कृष्ण जन्मे इसी श्लोक के माध्यम से। अब महाराज दूसरा श्लोक भी भागवत जी में है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। ये श्लोक महाराज भागवत जी के दशम स्कंद के 5वें अध्याय का, कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, इसमें तो पूरे ब्रज परिकर के आगमन की चर्चा है। यदि हम देखें तो आत्मज नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, आत्मज कौन होता है, आत्मज अर्थात आत्मा वही जायते पुत्र, जो आत्मा से जात हो, अपनी आत्मा के स्वरूप में हो, अर्थात कहीं से लाए, कोई रख गया, किसी का लिया, वो आत्मज नहीं हो सकता। आत्मज जिसमें अपनी आत्मा का अंश हो वह आत्मज कहलाता है। तो इसलिए जो ब्रजराज हैं, नंद नंदन है, वो नंद के ही आत्मा के अंश हैं, नंद बाबा की ही आत्मा के अंश हैं। और इसके बाद आता है जाता लादो महामना, महामना अर्थात वृषभानु जी, और आह्लाद कौन है, आह्लादनी शक्ति प्रभु की श्री राधा। तो श्री राधा के आगमन की भी चर्चा है कि वृषभानु जी के यहाँ श्री राधा का प्रादुर्भाव हुआ है। नंदस्तु आत्मज, नंद जी के यहाँ आत्मज के रूप में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। और उसके बाद आता है महाराज आहूय विप्राण वेद ज्ञान, विप्राण अर्थात ऋषि रूपा गोपियां जो ऋषि रूप में अवतरित हुए थे, दंडकारण्य के ऋषि सभी को पता है, सभी बहुत सुंदर चर्चा है कि दंडकारण्य के ऋषियों ने श्री राम से प्राप्त करने का उपाय बोला तो प्रभु ने कहा अभी तो सारे अपॉइंटमेंट बिजी हैं, फुल हैं, तो आप पर में जब लीला होगी तब आप वहाँ पधारिएगा। तो वो सभी माधुर्य भाव से प्रभु की भक्ति करके और ऋषि रूप स्वरूप में गोपियों के रूप में अवतरित हुए प्रश्न, तो वो कौन है, विप्राण और वेदज्ञान अर्थात श्रुति रूपा गोपियां। दो तरह की गोपियों का वर्णन आता है, तीसरी फिर देवांगनाएं वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थ भवन्तु सुरस्त्रिय, कल श्लोक बताया था। तो सुर स्त्री अर्थात देवकन्याएं देवांगनाएं वो भी आई थी गोपियों के रूप में। तो इसमें श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, श्री राधा और श्रुति रूपा गोपियां और ऋषि रूपा गोपियां सभी के आगमन की चर्चा है। तो इस श्लोक के माध्यम से भी यह सिद्ध होता है कि ब्रज में ब्रज कृष्ण, ब्रज के कृष्ण और ब्रज के बाहर के कृष्ण दोनों अलग हैं, वसुदेव नंदन और नंद नंदन दोनों अलग हैं। उसके बाद और भी प्रमाण मिलते हैं महाराज। उसके बाद ब्रह्म स्तुति को यदि हम आश्रय भागवत जी के ही अनुसार
तो ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ था, उन्होंने प्रभु की स्तुति की है, तो ब्रह्म स्तुति वाले अध्याय के प्रथम श्लोक के अंतिम चरण में भी हमें प्रमाण प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है कि लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांग जाए। अब पशुपांग जाए का तात्पर्य क्या है, इसको यदि खोले शब्द को संस्कृत के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार, तो पशुपांग जाए तो पशु अर्थात पशु पालन करने वाला, पशु प माने पालन करने वाला। तो कौन है पशु पालन करने वाले, नंद बाबा, उन्हीं के यहाँ सहस्त्रों गाय हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं। तो पशु प अंग जाए, जो पशु के पालन करने वाला है उसके अंग से जात, पशु पंग जाए अर्थात नंदात्मा जाए। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने भी परोक्ष रूप से इसी प्रकार प्रभु की स्तुति की है। तो तीन प्रमाण यहाँ पे हुए, और चौथा आता है कृष्ण शब्दों ही सत्तार्थो नश्च आनंद स्वरूप कह तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। अर्थात कृषेभु वाचक शब्दों नश्च निवृत्ति वाचक, कृष क्या है, भाव वाचक शब्द है। तो अंतःकरण स्वरूप भाववाचक अर्थात चार प्रकार के अंतःकरण चतुष्टय में चार स्वरूप प्रभु के कौन से हैं, महाराज चतुर्व्यूह रूप से वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में ये चतुर्व्यूह रूप कहा गया है हृदय का अंतःकरण चतुष्टय। तो ये भाव स्वरूप कौन है, वसुदेव नंदन, और नश्च आनंद स्वरूप का अर्थात आनंद स्वरूप कौन है, नंद बाबा, नंदो ह्यानंद रूपो यम, नंद बाबा आनंद स्वरूप है, और यशोदा मुक्ति रूपी, यशोदा मुक्ति स्वरूप है। तो कृष्ण अर्थात भाववाचक और राम अच्छा अर्थात आनंद वाचक दोनों के समागम को ही कृष्ण कहा गया है, इन दोनों की समष्टि से ही श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है परब्रह्म के रूप में। तो ये भी हमारे शास्त्रों में श्लोक आता है। इसके बाद महाराज हमारे वैष्णव टीका यामल तंत्र में तो स्पष्ट रूप से वर्णन किया है दो श्लोकों में। यदि यामल तंत्र की हम चर्चा देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समझायत, अर्थात दो पुत्र हुए, दो संतानें हुई नंद बाबा के, और गोविंदाख्या पुमान कन्या सांबिका मथुरांगता। अर्थात पुमान पुरुष रूप में कौन हुए, गोविंद, और कन्या गोविंदाख्या पुमान कन्या सांबिका अंबिका रूप में कन्या का जन्म हुआ। तो यहाँ दो संतानें हुई नंद बाबा के, पुरुष रूप में गोविंद पधारे और कन्या रूप में अंबिका पधारी। उसके बाद श्लोक आता है महाराज वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेवो अकलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदाम्बिनी यथा। अर्थात वासुदेव जी के जो सुत हैं वसुदेव के पुत्र वासुदेव हुए, वो जब गोकुल में पधारे और नंदनंदन के पास वसुदेव नंदन को रखा, तो वसुदेव नंदन नंदनंदन में इस प्रकार लीन हो गए, लीनो नंद सुते राजन घने सौदाम्बिनी यथा, जिस प्रकार बिजली आकाश में लीन हो जाती है उसी प्रकार वसुदेव नंदन नंदनंदन में लीन हो गए, और 11 वर्ष तक इसी रूप में रहे, ऐसा वर्णन आता है महाराज। क्योंकि ब्रज की चर्चा है, पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलम, और कहा गया है कि वृंदावनम परित्यज पादमेकम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज स्वात्कचिन्नैव गच्छति,
कई बातें आती हैं। हमारे कृष्ण वृंदावन को त्याग कर कभी कहीं नहीं जाते, ब्रज रसिकों का यही मानना है। आज भी पुराने रसिकों से संतों से पूछेंगे तो कहेंगे हमारे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने तो इस पर पूरी टीका लिखी है, पूरा एक प्रसंग लिखा है कि ब्रजनंदन ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन त्याग कर कहीं नहीं जाते, क्योंकि भगवान ब्रजेंद्र नंदन का कार्य क्या है? ब्रजेंद्र नंदन का कार्य है माधुर्य रस का प्रचार करना, माधुर्य रस का प्रसार करना। युग धर्म प्रवर्तन है अंश है ते, अमार बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, चैतन्य चरितामृत। तो जो मेरे अंशावतार हैं, जो विष्णु जी के अवतार हैं, वो विष्णु जो मथुरा में जन्मे हैं, उनका काम क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य पदात्मानम् सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना करना, शत्रुओं का नाश करना, ब्राह्मणों की संतों की रक्षा करना, ये सब कार्य किसके हैं? विष्णु के। और ब्रजेंद्र नंदन के कार्य क्या हैं? माधुर्य वात्सल्य और सख्य रस का प्रसार करना, अमार बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। और यही ब्रज के रसिकों का भाव है, यही हमारे रसिक मानते हैं, इसी की चर्चा है। रे मन वृंदा विपिन निहाल, वृंदावन सीमा के बाहर हरि को तू ना निहार। हमारे संत यही कहते हैं, वृंदावन की सीमा के बाहर यदि साक्षात प्रभु में मिल जाए तो भी प्राप्त नहीं करना। महाराज बड़े बड़े दृष्टांत आते हैं ब्रज की चर्चा में, कि परिक्रमा लगाते हुए महाराज वृंदावन की सीमा के बाहर प्रभु खड़े थे, बोले आजा मेरे पर, बोले नहीं हम तो नहीं आए, बोले हमारे कृष्ण तो ब्रज से बाहर ही नहीं जाते, तुम बाहर के तो बाहर ही हो। महाराज और प्रेम से बुलाने लगे तो चद्दर से मुंह ढक लिया, बोले ना मोहित हो जाएंगे, हमें नहीं आना, तुम्हें मिलना है तो भीतर आ जाओ हमारी परिधि में, हम वृंदावन की सीमा से बाहर चरण नहीं रखेंगे। इसीलिए कहा गया, चाहे मिले कोटि चिंतामणि तदपि हाथ ना पसार। तो साक्षात प्रभु भी आपके सामने खड़े हो जाए तब भी नहीं जाना, क्योंकि हमारे ब्रजेंद्र नंदन तो बाहर जाते ही नहीं है, तो बाहर के हो, तो बाहर के कृष्ण, हमारा लेना देना नहीं है उससे। वो चतुर्भुज रूप में है, वो वृंदावन से बाहर है, तो वृंदावन में है वो द्विभुज है, क्योंकि वृंदावन के श्री कृष्ण में ऐश्वर्य तो है लेकिन माधुर्य रस से ढका हुआ है। ऐसा भी नहीं है ऐश्वर्य नहीं है, यदि ऐश्वर्य नहीं होता तो 3 दिन के बालक के रूप में महाराज पूतना का वध कर देते, 7 वर्ष की अवस्था में महाराज गिरिराज धारण कर लेते, परंतु माधुर्य के रस से ढका हुआ है। महाराज ब्रजवासी देखकर भी उस बात को नहीं मानते, वो भी यही समझते हैं कि हाँ कुछ होगा, और वैसे भी हमने डंडा लगाए, तुमने अकेले थोड़ी उठा लिया गोवर्धन, डंडा तो हमने भी लगाए। तो महाराज ऐसा ब्रज का भाव है, वृंदावन से बाहर माधुर्य और ऐश्वर्य, मथुरा में माधुर्य ऐश्वर्य बराबर है, परंतु वृंदावन में यदि 75% माधुर्य है तो 25% ऐश्वर्य है, मथुरा में 50% माधुर्य है 50% ऐश्वर्य है, द्वारका में 75% ऐश्वर्य है 25% माधुर्य है, और वैकुंठ में 100% ऐश्वर्य है तो 0% माधुर्य है। ये चारों की विशेषता है, चारों लीलाओं की। तो इसी प्रकार हमारे ब्रज का यही भाव है कि हमारे कृष्ण वृंदावन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते, सदैव यही निवास करते हैं। तो ऐसी कुछ चर्चाएं हैं जो गूढ़ और रसिक रसिकों के माध्यम से जो, और परंपराओं के माध्यम से जो प्राप्त होती हैं, और यही हमारा भाव है। और ये सभी चर्चाएं प्रत्येक स्थान पर करनी उचित भी नहीं है,
क्योंकि ब्रज में ही इस भाव को समझा जा सकता है और कोई इस भाव को नहीं समझ सकता। इसके बाद महाराज यदि प्रसंग में आगे बढ़ें तो कन्या की भविष्यवाणी सुनकर वसुदेव जी और यशोदा जी को कंस ने कारागार में तो डाल दिया और महाराज अक्रूर जी वहां विद्यमान थे जो परोक्ष रूप से वसुदेव जी के सहायक थे, शुभचिंतक थे, परंतु दिखावे के लिए कंस के साथ मिले हुए थे। इधर महाराज कंस के यहाँ जब उसे पता चला कि महाराज ऐसे ऐसे कन्या हो गई है और पुत्र नहीं हुआ है और कन्या ने भी ये भविष्यवाणी कर दी है कि तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है, उसके बाद महाराज कंस ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई अपने घर में। सभी पधारे महाराज, जितने भी उसके मंत्री थे, गण थे, दैत्य थे, राक्षस थे, और मुष्टिकारिष्ट द्विविद पूतना केशी धेनु के सभी पधारे महाराज। आपातकालीन बैठक हुई, क्या किया जाए, कैसे महाराज इसका पता लगाया जाए कि कहाँ जन्म लिया है, कहाँ पहुँच गया वो बालक, कैसे हुआ। तो पूतना कहती है महाराज आप चिंता ना करें, इस ब्रजमंडल में गांव गांव जाकर मैं स्वयं ये देखूंगी कि 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों का जन्म हुआ है सभी को अपना विष पिला करके प्राण दंड दूंगी, सभी को मार डालूंगी, आप निश्चिंत रहें, आप चिंता ना करें। और चर्चा हुई महाराज, तब महाराज उनके अनुचरों ने, कृष्ण के मंत्रियों ने, कंस के मंत्रियों ने ये सलाह दी कि प्रभु जैसे ये विष्णु क्यों बलशाली होता है, क्यों इसे बल मिलता है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी वैष्णव हैं, ये जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तप करते हैं, इसी से विष्णु को बल मिलता है, इसी से वो शक्तिशाली होता है। तो जिस प्रकार किसी वृक्ष को समाप्त कर रहा हो तो उसकी जड़ खोद दो या उसमें मट्ठा डाल दो तो वो वृक्ष नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार यदि विष्णु को समाप्त करना है तो ये समस्त धर्म कर्म के कार्य समाप्त करा दो, बंद करा दो, ना उसे बल मिलेगा ना वो बलशाली हो, समाप्त हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये ब्राह्मण ही उस विष्णु को बल देते हैं, इसी से वो बलशाली हो रहा है। ऐसे ऐसे महाराज बहुत से चर्चाएं हुई वहां पर जाकर। इधर महाराज